नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। जेल में बंद सपा नेता आजम खान ने सपा विधायक रविदास मल्होत्रा को मुलाकात के लिए इनकार नहीं किया। इसके कई सियासी मायने भी हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो विधानसभा चुनाव 2022 के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की उनके चाचा प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव से संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। हाल ही में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बयानों से बहुत कुछ सियासी तस्वीर इसी ओर इशारा कर रही है। शिवपाल यादव खुद को पार्टी से निकालने की बात भी कह चुके हैं। बीते शुक्रवार को शिवपाल यादव सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलने गए थे। करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। जेल से बाहर निकलने के बाद शिवपाल यादव ने सपा पर करारा हमला बोला था। जेल में बंद आजम खान को छुड़ाने के लिए सपा की ओर से संघर्ष नहीं करने का आरोप भी लगाया गया था। ये भी कहा गया था कि अगर मुलायम और अखिलेश चाहते तो आजम खान बाहर होते। शिवपाल ने आजम खान को झूठ मामलों में फंसाने की बात तो कही, लेकिन भाजपा के विरोध में एक भी शब्द नहीं बोला। 27 फरवरी 2020 से सीतापुर की जेल में बंद आजम खान इससे पहले भी कई बार मुलाकात से इनकार करते रहे। जेल से जुड़े सूत्रों के अनुसार आजम खान ने कई बार लोगों को मना किया है। इसमें पार्टी के कुछ बड़े तो कुछ छोटे नेता भी शामिल है। वैसे सप्ताह में दो मुलाकात आजम खान की लोगों से ही हो जाती है। ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।